लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां ले। तुसी देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी लोकां दी आवाज लोकां ले। ते मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत कौर समरा। सो केंद्र सरकार हुण कोवैक्सीन नूं लैके लगातार जिहड़े हस्पतालां दे विच ठगियां कीतियां जा रहियां ने, जां असीं कह सकदे हां कि जो वध पैसे वसूले जा रहे ने उस नूं लैके शिकंजा कसदी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने निजी हस्पतालां दे लई करोना वायरस टीके दियां वध तों वध दरां जिहड़ियां निर्धारित कीतियां ने। नवें रेट दे अनुसार हुण कोविडशील्ड दी कीमत 780 रुपये होवेगी, 600 टीके की कीमत है 5% GST ते सेवा चार्ज 150 रुपये प्रति खुराक। तो उसे दे चलदे आ कोवैक्सीन की कीमत जिहड़ी है 1410 रुपये, 1200 रुपये कीमत है ते 60 GST ते इस दे नाल ही 150 रुपये सेवा चार्ज प्रति खुराक होवेगी। ते रूस दे वल्लों जिहड़ी बनी है टीका स्पूतनिक वी प्राइवेट हस्पतालां दे लई 1145 रुपये प्रति खुराक, 948 रुपये टीके की कीमत है, 47 रुपये GST ते 150 रुपये सेवा चार्ज की लागत जिहड़ी आवेगी। सरकार दीआं हदायतां दे अनुसार इस दी निर्धारित दर ते हर रोज़ निगरानी जिहड़ी रखी जाएगी। वधेरे दरां वसूलण दे लई निजी कोविड टीकाकरण केंद्र विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सो केंद्र ने राज्यां नूं सर्विस चार्ज के लिए निजी हस्पतालों 150 रुपये तो वध ना लैण दे लई कहा है, ते राज सरकारां नूं इन्हां दे उत्ते नज़र रखनी पवेगी। तुहानूं दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार नूं ऐलान कीता सी कि हुण 18 तों 44 साल की उम्र वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए सूबियां नूं ये टीका मुफ्त मुहैया जिहड़ा करवाएगी। तो इस दे नाल ही संबंध दिशा निर्देश का फैसला भी किया जाएगा। अगले दो हफ्तियां दे विच राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं उन्होंने भी कहा कि सारियां दे लई मुफ्त टीकाकरण 21 जून तो देश भर दे विच शुरू होगा। सो प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि 21 जून तो केंद्र सरकार 18 साल तो वध उम्र के लोगों के लिए सूबा सरकारां नूं मुफ्त टीके देवेगी, किसी भी राज सरकार नूं टीके ते कुछ नहीं खर्चना पवेगा। सो एक पासे जिथे हस्पतालां दे वल्लों वध पैसे वसूले जांदे ने, आम लोग जदों उत्थे वैक्सीन लवाउण जांदे ने जां करोना टैस्ट करवाउण जांदे ने तां उत्थे उन्हां तों वध कीमत वसूली जांदी है हस्पतालां दे वल्लों, जिस नूं लै के केंद्र सरकार हुण शिकंजा कसदी हुई नज़र आ रही है, तां जो आम लोगों के नाल ठगी जिहड़ी ना हो सके, उन्हां तों वध पैसे ना वसूले जाण। सो उन्होंने ऐलान किया कि देश के विच बन रहे 25% टीके जो ने सीधे निजी खेत्र के हस्पताल लै सकते हैं। ये प्रणाली जिहड़ी जारी रहेगी, प्राइवेट हस्पताल टीके की निश्चित कीमत तो बाद एक खुराक के लिए वध तो वध जिहड़ा 150 रुपये फीस जिहड़ी वसूल सकणगे। इस दी निगरानी का काम सिर्फ सूबा सरकारां दा होवेगा, सूबा सरकारां नूं इस दे उत्ते निगरानी रखनी पवेगी। केंद्र सरकार दे वल्लों ये ऐलान कर दिता है। सो खब्बी पार्टियां की गल करिए तां प्रधानमंत्री दे इस ऐलान बारे सवाल खड़े किए सन कि देश दीआं प्रमुख खब्बियां पार्टियां ने मंगलवार को कहा कि सरकार नूं निजी हस्पतालों के 25% टीके वंडन के अपने फैसले नूं वापस लैना चाहिए, क्योंकि ये लुट्टन का लाइसेंस है। सो इसे दे चलदे केंद्र सरकार दा जे ये ऐलान की असी गल करिए अजिहे समय दे विच आया जदों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहला केंद्र नूं अपनी टीकाकरण नीति की समीक्षा करन दे लई कहा सी, ते अदालत ने कहा सी कि सूबे जो ने अते प्राइवेट हस्पतालों 18 तो 44 साल की उम्र समूह के लोगों तो टीके की फीस वसूल करन की इजाजत देना सब तो पहला मनमानी अते तर्कहीन है। सो इसे दे चलदे हुण केंद्र सरकार जिहड़ी तंज कसदी नज़र आ रही है, असीं कह सकदे हां कि जो हस्पतालों के वध पैसे वसूले जाते सन आम लोगों तो टीके की गल कर लिए वैक्सीन की, या फिर असी टैसट करोना लैके गल कर लिए तो वध पैसे जिहड़े वसूले जाते सन कीमत रखी जाती सी अगे, लेकिन हुण केंद्र सरकार इन्हां दे उत्ते शिकंजा कसदी हुई नज़र आ रही है। केंद्र सरकार ने निजी हस्पतालों के लिए करोना वायरस टीके दियां वध तो वध दरां जिहड़ियां निर्धारित कर दित्तियां ने। तुहानूं सारी डिटेल दित्ती है कि किस तरीके दे नाल कोविडशील्ड की कीमत 780 रुपये, तो उत्थे ही कोवैक्सीन की कीमत जिहड़ी 1410 रुपये, तो जो रूस द्वारा बनी टीका स्पूतनिक वी प्राइवेट हस्पतालों के लिए 1145 रुपये प्रति खुराक होगी। सो इसे हुण तक की खबर, इस खबर को लैके तुहाडे की विचार ने अपने विचार साडे नाल सांझे जरूर करियो। तो इस तरह जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल लोकां दी आवाज़ लोकां लई। लिबरल टीवी पंजाबी।